The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में काफ़ी सारे मामलात, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने में आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो बड़ी सारी स्टोरीज डेवलप होती हुई नजर आई, और अगर ये बात की जाए तो पाकिस्तान के हर इलाके से स्टोरीज नजर आती हैं। शहबाज गिल साहब का मामला हो, कराची में बल्दियाती इंतखाबात में MQM का बॉयकॉट करने के ऐलानात हों, और साथ में अगर एक चीज़ और जोड़ ली जाए जो कि इस वक्त ज्योग्राफिकली एतबार से बड़ी ज़्यादा अहम होती हुई नज़र आ रही है, वो ये कि हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से इस बात की खबरें गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जो तिजारती ताल्लुकात काफ़ी अरसे से मुंतकता थे उसको बहाल करने का फैसला कर दिया। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और इस समय जो साहब ज्वाइन करें इनका नाम है MM आलम साहब, सिंध साहब भी तजिया कार, इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और इन तमाम तर मामला के पीछे हकीकत क्या है। MM आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। MM आलम साहब, मैं चाहूंगा एक एक करके जरा चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये शहबाज गिल साहब वाला मामला, ये काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि PTI का अपना एक स्टांस है, उनकी जानिब से जो चीज आ रही है वो बड़ी मुख्तलिफ है, और दूसरी जानिब जो मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पे आई है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर पेश कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीर साहब, बात यह है, शहबाज गिल वाला मामला तूल नहीं पकड़ रहा है, तूल इसको खुद दे रहे हैं वो। देखिए, दो दिन का रिमांड दिया था और 4 दिन उन्होंने अस्पताल में गुजारा, तो इस मामले को शहबाज गिल खुद तूल दे रहे हैं। अब शहबाज गिल क्यों तूल दे रहे हैं, उसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि वो खौफजदा है कि वो उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि मुकदमा बगावत का है, आम मुकदमा नहीं है। फिर उन्होंने जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी पॉलिसी के तहत बयान दिया, उसके बाद पार्टी ने उससे डिनाई कर दिया। इमरान खान ने भी इनके बयान की मजम्मत कर दी, उधर सेनेट में भी इनके पार्लियामेंट लीडर ने और दीगर रहनुमाओं ने, सब ने शहबाज गिल से इस बयान से लातालुकी कर दी। बिल्कुल सही। जब लातालुकी कर दी तो पार्टी पॉलिसी तो खत्म हो गई। जब पार्टी पॉलिसी खत्म हो गई तो फिर शहबाज गिल को ये नजर आया कि अब ये सारा मलबा मेरे अपने ऊपर गिरेगा। बिल्कुल ठीक। जिससे वो खौफजदा है। अच्छा, अब उसके खौफजदा होने की बात भी दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने जो तनकीद की, जो उकसाने की कोशिश की, वो एक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के मुलाजमीन को अपने क़यादत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। बिल्कुल सही। तो अब उनको ये नज़र आ रहा है कि पार्टी मेरे पीछे नहीं है, क्योंकि पार्टी के कोई रहनुमा किसी भी पेशी पे उनके पास नहीं जाते हैं, सिर्फ बुकला दे रखे हैं, और वो वकीला जो है उनके साथ मामलात को निपटा रहे हैं कानूनी तौर पर। तो शहबाज गिल को ये खौफ सवार है कि कहीं अगर मैं अकेला हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, उस खौफ में वो गलती दर गलती कर रहे हैं। 2 दिन का रिमांड अपना मुकम्मल करते हैं और उस रिमांड के बाद जो है वो जेल चले जाते हैं। जेल पंजाब हुकूमत के कस्टडी में आता है। बिल्कुल। पंजाब हुकूमत वहां उनको सहूलतें दे देती। आपको लगता है पंजाब हुकूमत सहूलत देती? परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज से बयान दिया, रद्देमल दिया और बिल्कुल लातालुकी का इजहार किया, आपको लगता है पंजाब हुकूमत भी कोई सहूलत देने की पोजीशन में होती? बिल्कुल होती, क्योंकि पंजाब हुकूमत में CM सहूलत नहीं देता है, वजीर दाखिला के कस्टडी में होते हैं ये तमाम प्रेजेंस जो होते हैं। तो वजीर दाखिला PTI का है और पंजाब हुकूमत में परवेज इलाही साहब की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, परवेज इलाही साहब एक डमी वजीर आला के तौर पर पंजाब में काम कर रहे हैं, असल काम PTI का है और PTI कर रही है, और वजीर दाखिला जो है वो खुद गए भी थे जेल में भी, वहाँ हुकाम को हिदायत भी देकर आए उनकी सहूलतों के हवाले से। लेकिन हुआ ऐसा कि हाईकोर्ट ने 2 दिन का रिमांड बैक किया। पहले रिमांड बैक करने के बाद सेशन जज ने, साहिबा ने जो है वो उसको रिमांड दे दिया पुलिस को। तो जब रिमांड दिया तो उस रिमांड के खौफ से शहबाज गिल अस्पताल जा बैठे। आज उनको पेश किया गया तो आज वो दारो कतार रोए। अच्छा, अब उनके रोने के पीछे उनको नजर आ रहा है कि मेरे साथ बेवफाई हो रही है, कि उनके पास ना कोई रहनुमा मिलने जा रहा है PTI का, और ना ही PTI उनकी इस गलती को ऑन कर रही है, बल्कि सबने कंडेम कर दिया, जिनके खिलाफ बयान दिया उनके खौफ से कंडेम कर दिया। तो इस वक्त मेरी नजर में तो यह है कि शहबाज गिल बहुत बुरे फंसे हुए हैं, और लिंगर ऑन की जो आपने बात की थी वो लिंगर ऑन ऐसा नहीं है कि पुलिस की तरफ से हो रहा है या अदलिया की तरफ से हो रहा है, शहबाज गिल खुद लिंगर ऑन कर रहे हैं। अच्छा, MM आलम साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा कि PTI के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनमें ये बात कही जाती है जलसों में, महफिलों में,
कि जो शहबाज गिल साहब के साथ जो ट्रीटमेंट है वो आईनी तौर पर नहीं किया जा रहा। इस वक्त अगर आईनी तौर पर ट्रीटमेंट हो तो वो क्या यही होगा या इसमें कुछ और होने का अंदेशा है? अगर आप बात करते हैं आईन की, तो आईन में तो कहीं भी नहीं है कि आप जो है जिस्मानी टॉर्चर करें, कहीं भी नहीं है। ठीक, अच्छा, अब टॉर्चर हुआ, जिस्मानी टॉर्चर हुआ, इस तरह की कुछ इत्तला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं कि टॉर्चर ना हुआ हो, क्योंकि हमारा पुलिस कल्चर जो है वो ऐसा है कि टॉर्चर होता है, छोटा आदमी जाए, मेरे जैसा छोटा आदमी चला जाए उनके हाथ में, या फिर बड़ा आदमी चला जाए, टॉर्चर वो करते हैं। और इसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एफआईए की भी कंप्लेन है, नैप की भी कंप्लेन है और पुलिस की भी कंप्लेन है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनकी कंप्लेन मौजूद है और रहनुमाओं के हवाले से भी, शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, मरियम ने भी और दीगर रहनुमाओं, शाहिद खाकान अब्बासी ले रहे हैं या खुशी शाह ले रहे हैं, कोई भी हो जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है उसको ये शिकायत रहती है कि मुझे टॉर्चर किया गया, और होता भी होगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है पाकिस्तान में। अब इस टॉर्चर की बुनियाद पे आप ये कह लें कि जी कोई बहुत ही बड़ा अचंबा हो गया, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में भी टॉर्चर हुए हैं, राणा सनाउल्लाह भी शिकायत करते हैं उन्हें जो है किस तरह से जेल में ट्रीट किया गया, शहबाज शरीफ को किस तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, इमरान खान के दौर में भी ये चीजें हुई हैं, और पुलिस का कल्चर बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस के कल्चर को बदलना चाहते नहीं है सरदार, क्योंकि वक्त आने पे इन्हें इनको पुलिस ही इस्तेमाल करनी होती है, और उन्होंने शहबाज गिल के खिलाफ करी। और एक चीज, और एक चीज मैं चाहूंगा आप ये भी एड ऑन करें कि बहुत से लोग इस बात का भी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस इदारे के ऊपर तनकीद की थी, जो पाक अफवाज का जो इदारा है, उस इदारे की तरफ से अभी तक कोई खामोशी है मुकम्मल तौर पर, उस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया ऑन फ्रंट पे आके, तो क्या वहां से भी कोई नकलो हरकत की इतलात है या हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, पूरा ही केस जो है वही इदारा मॉनिटर कर रहा है, और इसको आप ना तनकीद नहीं कह सकते हैं मुनीर साहब, ये शहबाज गिल ने तनकीद नहीं की थी, तनकीद तो मैं भी करता रहा हूँ अदारों पर, तनकीद में हदूद हद को तजावुज कर गए, बिल्कुल वो उस पर दोहराए भी नहीं है। हाँ, तनकीद नहीं की इसने, उसने तो उकसाने की कोशिश की है, यानी कि आप उनके सब ऑर्डिनेट्स को उकसा रहे थे कि आपका अगर कोई ब्रिगेडियर साहब या कोई कर्नल साहब या जनरल साहब आपको हुक्म दें तो आपने हुक्म नहीं मानना है, आप तो फौज में तफरीक पैदा कर रहे थे। शहबाज गिल का कसूर यह है कि वो फौज में, जिसको इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इसकी गलती है, ये फैसल जावेद ने सेनेट में खिताब में कहा है कि ये गलती है शहबाज गिल की, और इसकी मजम्मत करते हैं, फैसल वाउडर ने मजम्मत की है, सब ने मजम्मत की है, और ये जो उनका किरदार था देखो गलत था, क्योंकि जज्बात में बोलते चले गए और ARY भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया, कि बजाय इसके जो उनके पास 5-7 मिनट का डिले होता है, 5-7 सेकंड का, उस डिले को यूज नहीं किया ARY ने, उसमें उस डिले को यूज नहीं किया गया और वहां से लाइन भी कट नहीं हुई, शायद उस वक्त मॉनिटरिंग शायद नहीं हो पाई। ये इसीलिए ये जो हुकूमत कह रही है ना कि प्री प्लान हुआ है, तो अगर नहीं भी हुआ है और ब्लंडर हो गया है तो ये प्री प्लान के कोटे में चला जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इस केस से शहबाज गिल साहब का किसी भी तौर से बच निकलना, क्या ये मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि माजी में ऐसी काफी सारी मिसालें हैं कि बहुत से लोगों ने तनकीद के दौरान काफी सारे हुदूद को तजावुज किया, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि वही माफी तलाफी हुई, कुछ अरसे बाद वही वजरा बने, वही मुशीर बने। डॉन लीग की बात करें, दीगर मामला की बात करें, मेमो गेट्स की बात करें, देखें पाकिस्तान की तारीख में मेमो गेट अलग चीज है, डॉन लीग अलग चीज है। ठीक है, तनकीद करी, जर्नलों का नाम ले लेके उन पर तनकीद की गई, ठीक है, वो और चीज है। हाँ, लेकिन शहबाज गिल ने एक इदारे को कमजोर करने की कोशिश की अपने स्टेटमेंट से, अपनी लफाजी से, उसको इदारे को कमजोर करने की कोशिश की, इदारा कंसर्न हो गया, और कंसर्न होते ही इदारे ने, देखिए ये जो FIR कटी है ये इसका मुद्दई राणा सनाउल्लाह नहीं है या कोई आम पाकिस्तानी अल्लादिता नहीं है, इसका मुद्दई, इसका मुद्दई एक मजिस्ट्रेट है। सही, इट्स मीन कि ये जा रहा है बगावत की तरफ मामला सारा। सही ना, और बगावत की तरफ इसको ले आके ट्रायल जब होगा, क्योंकि इसने शहबाज गिल साहब ने इनकार नहीं किया कि मेरी आवाज नहीं है या कुछ नहीं है, उन्होंने तो तस्लीम किया। पहला स्टेटमेंट जो उनका वहां पर रिकॉर्ड पर है पुलिस के पास, उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी पॉलिसी के तहत ये बात कही है, उसके बाद पार्टी विड्रॉ कर गई, पार्टी भाग गई पीछे से, और शहबाज गिल अकेले हो गए। लेकिन आज तक पाकिस्तान की 74-75 साल की तारीख में किसी भी सियासतदान ने इस तरह की हरकत नहीं की कि वो हमारे जो पाकिस्तान का
मजबूत तरीन इदारा पाकिस्तान का फौज है, जो पाकिस्तान के चारों पिलर को लेके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की फौज को तफरीक में डालने, क्योंकि पाकिस्तान की फौज दुनिया में मशहूर किस बात पे है? बिल्कुल सर, अपनी यूनिटी पे मशहूर है कि भाई यूनिटी एंड डिसिप्लिन की हमारी फौज का खास सारा। लेकिन एमएम आलम साहब, मैं चाहूंगा इस बात के ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त जो मौजूदा अफरा तफरी के माहौल में खबर निकल के सामने आ रही है वो है हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से कि जो तजारती ताल्लुकात, हर तरह के ताल्लुकात जो हमने हिंदुस्तान से मुनकता किए थे कश्मीर के आर्टिकल 378 के इम्पोज होने के बाद, उसके फिर से बहाल होने की इतलात आ रही है। हिंदुस्तान के साथ फिर से तजारत को स्टेट लेवल पे शुरू करने की बात की जा रही है, क्या ये खबर जो हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से आ रही है इसमें कुछ सदाकत भी है? मनीष साहब देखें, पहली बात तो आपने कहा सदाकत है, तो इसमें सदाकत है एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अफसोसनाक बात यह है कि हर फैसला पिंडी से आता है कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आवाम के मफाद में, मुल्क के मफाद में सियासतदान फैसले नहीं करते हैं। सियासतदान पिंडी की तरफ देखते हैं कि उनका हुक्मनामा क्या है। अब अगर आप आज इंडिया के साथ तिजारत खोलते हैं, माजी में हम देख लें जो इंडिया के साथ तिजारत खोली थी उसका फायदा इंडिया को हुआ था, पाकिस्तान को नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया का जो बेसिक एम है ना, वो टारगेट है अफगानिस्तान में सप्लाई। बिल्कुल, इंडिया चाहता है अफगानिस्तान में सब्जी और फल और दीगर अशिया जो है वो अपनी वहां पे पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के एक यूपी के बराबर है। इंडिया बहुत बड़ा है और अफगानिस्तान की मार्केट उनको चाहिए। इंडिया जो है इस सोच से पाकिस्तान से आगे बढ़ना बढ़ेगा कि उसको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तो मुझे समझाए ना एमएम आलम साहब, अगर इस तमाम तर डील का एक बड़ा बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है तो पाकिस्तान इस डील को क्यों एक्सरसाइज करना चाह रहा है और क्यों वो जो हमारी जो एक पोजीशन थी, जो हम कहते थे कि हमारी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम कश्मीर के मामले पे सौदा नहीं कर सकते, हम कश्मीर हमारी शहर है, जब तक ये सारे सूरत हाल बहाल नहीं हो जाती तब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, अब हम इसे रिवर्ट करेंगे, तो ये तो हम कहीं ना कहीं खुद दावत दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इससे बढ़ के हिंदुस्तान को एक्शन करें। देखिए ये हुक्मरान है हमारे, हमें अफसोस इसी बात का होता है कि हमारे ये जो हुक्मरान है जो मौजूदा है, जिसे नून लीग कह रहे हैं आप, ये जब भी आते हैं ये पाकिस्तान को ऐसी कंडीशन में जाके खड़ा कर देते हैं सामने, जहां पे हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है बराबरी की बुनियाद पे या हम अपर हैंड रख के कहीं से बात कर रहे हैं किसी। बस ये आते हैं और आके कारोबारी मफादात देखते हैं, ना अवामी मफाद ना ही मुल्की मफाद। इन्हें अभी देखे ना, शहबाज शरीफ बार बार एक बात कहता है कि मिसाक मईशत, इन्हें अपने कारोबारों की फिक्र लगी रहती है, इन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कौम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, तो उस कुर्बानी को आप कैश करो यार, आप उस कुर्बानी को कैश करके मुल्क को एक गैरतमंद मुल्क बनाओ, एक स्टैंड लेने वाला। और ये सवाल भी तो है ना कि अगर 2.5-3 साल तक इमरान खान की तरफ मिसाक मईशत का और भागते हैं इंडिया की तरफ, क्या मिसाक मईशत इंडिया के। और एमएम आलम साहब अगर ये बात मैं देखूं कि जब 2.5-3 साल तक या पिछले एक साल के दौरान 4-6 महीने के दौरान पाकिस्तान मौसी एतबार से बड़े सारे मुश्किलात से गुजरा है और अभी कतरे सूरत हाल हमारी बेहतर भी है, हमने तब वो कदम नहीं उठाया, तब वो इकदामात नहीं लिए, तो आज ये इकदामात लेने की जरूरत क्यों पेश आ रही है जब मौजूदा गवर्नमेंट, जिसको ये सवाल उठाया कि इसके पास जो एक टेन्योर, अगर लेजिटिमेट टेन्योर की बात भी करूं तो वो चंद माह का रह गया है, इस गवर्नमेंट का जो दौरानी है वो बहुत मुख्तसर है, वो इस तरह के फैसले किस तरीके से सादर कर सकती है? देखें पिछली गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं तो उनके तो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे मोदी के साथ, ठीक है, क्योंकि खुद इमरान खान साहब ये बात कहते रहे हैं कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता, इट्स मीन के मोदी इस उसमें था ही नहीं, क्योंकि जब ये इलेक्शन से जीत कर आया 18 का इलेक्शन, तो इन्होंने मोदी का यार गद्दार का नारा लगाया और नतीजा ये निकला कि मोदी उससे नाराज हुआ आवाम से। अब आज के जो हुक्मरान हैं इनके तो ताल्लुकात पुराने हैं मोदी के साथ अच्छे, तो ये इसलिए जो है ना ये पिछले दौर में नहीं हो सका और इस दौर में हो गया, लेकिन आवाम के सामने ये पॉलिसी आनी चाहिए कि अगर आप करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इतलात ये हैं कि अब जितने भी मिसाक मईशत के हवाले से एक्टिविटीज हैं उसमें फाल किरदार अदा कर रहे हैं वो बाजवा साहब कर रहे हैं आर्मी चीफ, क्योंकि इन सियासतदानों की तो लिमिटेशन ही एक साल है, तो इन पे इतना लोग एतमाद नहीं कर रहे हैं बैरूनी दुनिया के जितना कि आर्मी चीफ पे किया जा रहा है इस वक्त एतमाद। तो ये मेरे ख्याल में ये इंडिया के साथ भी मामला अगर हुए होंगे तो पिंडी से ही हुए होंगे,
और ये चीज आवाम के सामने आनी चाहिए, या कहीं ना कहीं अपने मफादात भी हैं जो मौजूदा सियासतदानों के। लेकिन खैर फाइनल में चाहूंगा, एक मिनट रह गया, एम एम आल साहब मुझे ये बता दें, एक कराची से बड़ी खबर आ रही है, कराची में हालिया बारिशों के बाद सूरत हाल बहुत बिगड़ी है, इस बरसात के बाद अब ये खबर आ रही है कि एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात से बॉयकॉट कर रही है, इसमें क्या मामलात हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात से पीछे हट रही है? देखिए एमक्यूएम जो है ना सेव स्पेस चाह रही है, स्पेस सेविंग के लिए एमक्यूएम बहुत टाइम से पीछे लगी हुई थी, क्योंकि जिस हालत में कराची इस वक्त मौजूद है उसकी जिम्मेदार एमक्यूएम खुद भी है। और जिम्मेदार किस तरह से है मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। 4 साल एमक्यूएम के पास मेयरशिप रही, वसीम अख्तर 4 साल जो है उन पर इल्जाम लगते रहे कि वो लूटमार कर रहे हैं और अपनी टीम के हमला, लेकिन जो है वो काम के लिए बोलते हैं, जब उनको काम का कहा तो क्या इख्तियार नहीं है, लेकिन लूटमार के लिए इख्तियार मौजूद थे उनके। फिर इस वक्त जो मौजूदा शहर की हालत है, कोई गली कोई मोहल्ला कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जहाँ इनके हम खड़े होकर बोले कि मैं 3 साल हम लोग जो है साढ़े 3 साल इमरान खान के साथ हुकूमत में रहे और अब 1 साल इनके साथ रहेंगे। दो वफाकी वजीर हैं हमारे पास, हमारे पास सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, हमारे पास जो है दीवार पे लगाने के लिए पीपल्स पार्टी से किया गया माहिदा है, ये सब चीजें लेके एमकेएम को पता था कि अगर हम जाएंगे अवाम के अंदर तो हमारे साथ वो होगा जो बल्दियाती इंतखाबात का अमल तो नहीं रुकने वाला ना एमएम आलम साहब, वो तो बल्दियाती इंतखाबात होंगे बगैर एमकेएम के हो जाएंगे। मुनीर साहब अगर एमकेएम रहती भी है इंतखाबात में तो भी एमकेएम को अपनी पोजिशन ऐसी नजर आ रही है कि जैसे वो जो है लेकिन अगर इस पोजीशन की बात करें एमआलम साहब, माजरत कटा कलामी की, शायद ठीक ना मिले इनको। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर एमकेएम को अपनी पोजीशन इतनी खराब नजर आ रही है तो एनए 245 के महाज पर हम देख रहे हैं कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने मुआहदा किया हुआ है, एमकेएम बड़ी स्ट्रांग कह रही है कि हम उस पोजीशन में है कि हम ये सीट निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी पीपल्स पार्टी लड़ सकती थी, एमकेएम पीपल्स पार्टी के फेवर में बैठ सकती थी, ये तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये तो इनका डिसाइड हो गया। देखें आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि वो उनके चुमले नहीं मिल रहे थे, उनके अल्फाज टूट रहे थे, वो बात ऐसा लग रहा था कि अनजाना खौफ उन पर सवार है कि वो चाह रहे थे कि मैं धमकी दूँ हुकूमत को, शहबाज शरीफ को या जरदारी को, क्योंकि जरदारी साहब तो क्लियर हो गया अब इनकी धमकियों में नहीं आ रहे हैं, अब ये धमकियाँ दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को और शहबाज शरीफ को कि तुम्हारी रहे थे तुम, हमने मादा किया और तुम कुछ करो। तो अभी खालिद मकबूल साहब जो है वो खौफ का शिकार थे, वो इशारा देके चले गए हैं कि हम जो है बाइकाट में जा सकते हैं, इशारा दे दिया है। तो क्या इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तेरी इतवार को होने वाले जो इंतखाबात हैं, एक वो जो हल्के में इंतखाब हो रहा है उसकी सूरत हाल देखने के बाद, क्योंकि उसमें पीटीआई शामिल है जी इंतखाब में, महमूद मौलवी साहब कंटेस्ट करें, स्ट्रांग कैंडिडेट महमूद मौलवी, उनकी पोजिशन भी स्ट्रांग है, पहले भी सीट पीटीआई की ही थी। एमकेएम अगर सीट हारती है तो एमकेएम बाइकाट में चली जाएगी, क्योंकि एमकेएम के लिए फिर वो रिश्ता दीवार बन जाएगी ना उस सीट को। बिल्कुल, तो इसलिए एमकेएम आज खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उनके ऊपर एक अनजाना खौफ सवार था खालिद मकबूल सिद्दीकी पर, कोई अल्लाह जाने वो खौफ जो है किसी कर्नल साहब का था या सियासी खौफ था या सरदारी साहब का खौफ था, बहरहाल खौफ सवार था उनसे कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, धमकी भी दे रहे थे और देते हुए डर भी रहे थे। ठीक हो गया एमएम आलम साहब, आपके मौकफ का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मिसाके जमहूरियत और उसके बाद अब मिसाके मईशत की बातें हो रही हैं। ये मिसाके मईशत पाकिस्तान में किस हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में माशी एतबार से मुल्क जहां कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है वहां पर दीगर खबरें भी आ रही हैं। हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से कुछ दिनों पहले ये बात अपनी न्यूज चैनल्स पर नशर की गई कि पाकिस्तान के साथ उनके तजारती मामलात बहाल हुए हैं, इसमें कहां तक सदाकत और इसके पीछे का पस मंजर गया, इस हवाले से हमें गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें जनाब शेर गुलाम रसूल साहब, सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक है, इनसे जानते हैं कि आखिर मामलात क्या हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या मामलात हैं, क्या इत्तलात हैं, मिसाके मईशत अब कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है,
معاشی صورتحال کے پس منظر میں دیکھیں اور ہندوستان کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں یہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں سر؟ ہر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور ہونے بھی چاہیے لیکن برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک بندہ تم سے فائدہ تو لے لے اور آپ ہمیں کچھ بھی نہ دے جس طرح یہ نمک کا معاملہ چل رہا ہے یہ ہم سے کوڑیوں میں لے رہے ہیں اور ہزاروں میں بیچ رہے ہیں تو یہ پاکستان کی معیشت کا تو فائدہ نہیں ہوگا یہ ہندوستان کی معیشت کا فائدہ ہوگا اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم نے تجارت کرنی ہے تو ان سے کچھ لیں اور کچھ دیں یہ نہ کہ ان سے ٹماٹر لے لیں اور ان کو ڈالر دے دیں یہ کام نہیں چلنا چاہیے پاکستان کی معیشت اس طرح تو نہیں تو شیر غلام رسول صاحب ذرا اس بارے میں سمجھائیں نا کہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی طیارے کراچی کے ائرپورٹ پہ آتے ہیں آج کل آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے پھر اب اس طرح کی خبر کا آنا تو یہ تمام تر چیزیں ایک دوسرے سے جڑی بھی نظر آتی ہیں یا محض اتفاق ہے یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ تو یہ ہے کہ جو طیارے آ رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے صحافیوں کا پتہ کریں کہ کیوں آ رہے ہیں یا کس لیے آ رہے ہیں یہاں یہ جو ادارے ہیں ان کو پتا ہو کہ کیوں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا ویسے ہی آ رہے ہیں یہ تو ایک بڑا بہت بڑا ایشو ہے جس پہ آپ بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے نیچے جو ہمارا آ جاتا ہے معاملہ پنجاب ہو گیا کراچی کا معاملہ زیادہ تر کراچی والوں کو اس کا بہتر پتا ہے اگر یہ پاکستان کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو ہو نہیں سکتا یہ اپنے مطلب کے لیے آ رہے ہوں گے اچھا اور غلام رسول صاحب ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہندوستان کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں برابری کی بنیاد پہ ہونے چاہیے بالکل درست فرمایا لیکن ہمارے پچھلی جو حکومت تھی اس نے آرٹیکل 378 جب کشمیر میں لاگو کیا گیا اس کے بعد سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات پوری طور پہ منقطع کر دیے تھے اب وہ تعلقات کو بحال کر دیا جائے اور کشمیر کا سٹیٹس ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے تو پھر یہ تعلقات کو بحال کر کے اگر کچھ ڈالرز پاکستان کما بھی لیتا ہے تو کیا یہ درست فیصلہ ہوگا موجودہ حکومت کی جانب سے یہ بالکل یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کشمیر پہ سودا کسی قیمت پہ منظور ہی نہیں اگر یہ کر بھی ہے تو قوم کو منظور نہیں ہے عوام کو منظور نہیں ہے عوام ہماری یہ نہیں کبھی بھی نہیں برداشت کرے گی کہ ہندوستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ جائے اس طرح کا کاروبار کیا جائے ہر کچھ نہیں ہے لیکن ہندوستان کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے نہ کرنے دیں گے اور پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر موقف کیا ہوگا اگر موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہو تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی پیپلز پارٹی میرے حساب میں جو ملک کی بہتری ہے اس سے ہٹ کے تو فیصلہ آج تک پیپلز پارٹی نے نہیں کیا اور نہ کرے گی انشاءاللہ اور اپنی اپنی جماعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں کس طرح انہوں نے چلنا ہے مستقبل میں ان کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ بھی ان کو دیکھ کے کرنا چاہیے نا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور کہا یہ جا رہا ہے غلام رسول صاحب کہ موجودہ جو پنجاب میں اور جو اسلام آباد میں شہباز گل صاحب والے معاملہ ہے وہ اتنا افراتفری کی وجہ سے شاید گورنمنٹ پس پردہ یہ سارے معاملات حل کرنا چاہتی ہے اور اس کو فیصلہ سازی کرنا چاہتی ہے تو مجھے یہ سمجھائیں نا کہ کیا یہی پاکستان کی سیاست میں ایک روش رہے گی کہ ایک ایشو کے بعد ہم دوسرا ایشو اور پھر اسی کے پیچھے قوم الجھتی بھی نظر آئے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا یہ اس طرح کی سیاست جو ہو رہی ہے یہ تو سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی اداروں کے ساتھ بولے گا اداروں کے ساتھ ہمیں بولنا نہیں چاہیے ادارے جو ہیں نا ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں اداروں کے سلسلے میں ہمارا پاکستان چل رہا ہے ان کی مہربانی سے چل رہا ہے اور یہی پاکستان کا تفل کرنے والے ادارے اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو یہ تو ہوگا ٹھیک ہوگا بہت بہت شکریہ شیر غلام رسول صاحب آپ کے وقت کا آپ کے موقع کا اور یقین طور پہ جو کچھ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے جب بھی کوئی سودا ہوتا ہے برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے اگر یہ برابری کی بنیاد نہ ہو تو پھر اس طرح کے سودے یقین طور پہ قوم کے لیے بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور جب سودے ملک کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا کے کیے جائیں تو پھر یہ سودے یقینی طور پہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی ڈرونا خواب ہی ثابت بن سکتے ہیں پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Memon. آپ دیکھ رہے ہیں The
डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पर इस वक्त एक बड़ा पाकिस्तान भर के लिए कंसर्न है कि जो सिंध और बलूचिस्तान के काफी सारे इलाके हैं, हालिया बारिशों के बाद काफी सारे इसमें इश्यूज नजर आए। यहाँ पे इमदादी सरगर्मियां जारी तो हैं, लेकिन क्या वो काफी होंगी इस वक्त लोगों को वहां से निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, एक बड़ा सवाल है। साथ साथ जो पॉलिटिकल इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ उस वक्त ज्वाइन करें बलूचिस्तान से सीनियर साफी तजिया जनाब मीर असलम रिंद साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब पहले तो ये बताएं कि बलूचिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू का अमल किस हद तक तो हो चुका या होता हुआ नजर आ रहा है? बलूचिस्तान तो तकरीबन आपने कहा कि कुछ ऐसे नहीं कि 90% डूब चुका है, पूरे पाकिस्तान से उसका रास्ता कट चुका है और कल रात तो स्लाइडिंग की वजह से जो है वो जोब और खैबर पश्तूनख्वा का रास्ता भी कट चुका है। कराची तो दोनों तरफ से, ये हमारे सिपी की तरफ से और ये खुजदार की तरफ से दोनों जो है सड़कें बह चुकी हैं और पुल टूट चुके हैं और आना जाना अमदुरफ सब कुछ बंद है। और जो सिंध से पंजाब या बलूचिस्तान की तरफ सामान आता है वो भी बिल्कुल नापैद हो चुका है, चीजें महंगी हो रही हैं और उसके असरात डायरेक्ट आवाम पे पड़ रहे हैं। लोगों के घर बिल्कुल मुसमार हो गए हैं, तेज बारिश अभी भी बारिश हो रही है और अगले तकरीबन एक हफ्ते या 10 दिन तक कंटिन्यू बारिश है। लेकिन हुकूमत 74 सालों में कोई ऐसे इकदाम नहीं किए या ऐसे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया कि इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ जो है ना डांडी और सड़क बनाते हैं, मुस्तकबिल से जो है ना कोई प्लानिंग नहीं करते। उसकी वजह यही है जब ऐसे हालात आते हैं अचानक तो ऐसे नुकसान भी होता है। अगर इनके पास पहले से कोई ऐसे प्लानिंग हो, हमारी बदकिस्मती ये है कि आपने पढ़ा होगा हमारे सारे डैम जो है टूट गए हैं, इसलिए कि हमारे सूबे में 50% से 55% करप्शन की नजर हो जाता है। 20% एमपीए साहब लेते हैं, 10% इंजीनियर एक्सेप्टेंस लेता है, 30% बाकी 16% कमीशन है, 7.5% इनकम टैक्स है, बाकी लवाजमात है। मतलब 1 करोड़ में 60 लाख रुपए करप्शन की नजर, 20% 1000 का फायदा और 20 लाख रुपए में उसने 1 करोड़ का काम करना था। वो थूक से बनाएगा, वो सीमेंट से और सरिये से नहीं बनाएगा। और मीर साहब ये जरूर बताएं कि इस तमाम तर बारिशों की वजह से कहा जा रहा है कि सीपेक के जो प्रोजेक्ट है उसको भी कुछ मुतासर हुआ है, वो भी उसमें भी मामला बिगड़े हैं, क्या ऐसी भी कुछ इतलात है? मैंने आपसे कहा ना मकरान डिवीजन भी टोटल वो उसका रास्ता कट चुका है, कराची की तरफ भी कट चुका है, सिंध के जो ये सिबी डिवीजन है हमारा, ये जो सक्कर को जहाबाद को मिलाता है इसकी भी तमाम सड़कें टूट चुकी हैं और ये जो कोयटा ये खैबर पश्तूनख्वा का जो रास्ता है ये सीपैक का हिस्सा है, ये भी स्लाइडिंग की वजह से जो है ना ये कल रात से बंद है। सुनने में है कि 8 से 9 दिन तक ये आप सफर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अल्लाह खैर करेगा और उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल वक्त की घड़ी में जो कुछ पाकिस्तानी अवाम ने पहले भी एक मिसाल कायम की कि लोगों को वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया और फिर उनको उनकी बहाली का काम भी शुरू किया, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि ये बहाली का काम जल्द शुरू हो सके। लेकिन मीर साहब जरा आते हैं सियासी गुफ्तगु के ऊपर। बलूचिस्तान डूब गया लेकिन ये कहने में आ रहा है कि बलूचिस्तान से जिस मुल्क के जासूस को पकड़ा गया था उस मुल्क के साथ अब तजारती मामला तजारती मरासम फिर से तय किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अलावा कश्मीर जो शहरक जिसको पाकिस्तान अपनी शहरक कहता है उस शहरक को काटने वाले हिंदुस्तान के साथ फिर से तजारती मामलात को शुरू करना इस बुनियाद पे कि कश्मीर का स्टेटस फिर से बहाल ना किया गया हो, तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा मौजूदा हुकूमत का? मेहमान साहब मैं तो थोड़ा सा इसके गुज़श्ता अखबार के उसमें जाऊंगा, वो जो उन्होंने वो 371 और 35 का नफाज खत्म किया था उससे ये था कि पहले कि आप कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पे आप न्यू आबादी नहीं कर सकते, उसको एक अलग स्टेटस दिया गया था ये पाकिस्तान और इंडिया के तकसीम के बाद। लेकिन उसको जो है गुज़श्ता 3 साल पहले जब खत्म किया गया है 4 साल पहले, तो पाकिस्तान का यही डिमांड था कि जब तक
वो उसको बहाल नहीं किया जाता, हम हिंदुस्तान से कोई तजारत नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो ये तो कश्मीरियों का सौदा है और कश्मीरियों के साथ जुल्म है। अगर हिंदुस्तान को यकीन हो गया कि भाई इनकी कमजोरी सिर्फ तजारत है, वो तो कश्मीर में और भी ज्यादा जुल्म करेगा, लोगों को आबाद करेगा। आप खुद सोचे 20-30 साल के बाद कश्मीर का स्टेटस क्या होगा जब हिंदू पंडित वहां पे आके आबाद हो जाएंगे, जमीनें खरीदेंगे। वहां पे तो दौलतमंद हिंदुस्तान में बहुत है, वो 10 साल में कश्मीर का नक्शा बदल देंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मीर साहब ये समझाए ना, ये बातें आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं, आम आवाम को तमाम तरह सूरत हाल का पता है। लेकिन हुकूमत अगर ये हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से महज प्रोपेगेंडा है, फेक खबर है, इस तरह की इतलात नहीं है, तो हुकूमत की जानिब से आवाम तक ये तरदीद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? और अगर तरदीद नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं मुख्तलिफ ज़राए से ये बात की तस्दीक भी हो रही है कि शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जो तजारती मामलात हैं, मरासिम फिर से एक बार खोलने के लिए तैयार है, तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं है हुकूमत की पोजिशन के ऊपर? देखिए जी, प्रोपेगेंडा उस वक्त होता है जब कुछ होता है, इसे बिना वजह कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। हमारा मिसाल पाकिस्तान और दुनिया का हुआ है मुल्क है, जब हम कर्जा IMF से लेते हैं, दुनिया से लेते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इस वक्त आपका जो नेशनल हाईवे है, आपका मोटरवे है, आपका जो है मकरान कोस्टल है, आपका OGDCL है, ये सब जो है गिरवी रखे जा रहे, जो नए शरायत IMF के साथ रखे हैं, ये आपके सारे असासे गिरवी रखे जा रहे हैं। मैंने सुना है कि PIA को भी गिरवी रखा जा रहा है। और PIA का एक चीज अपने आवाम के नोटिस में लाऊ, दुनिया का वाइज ये अदारा है PIA पाकिस्तान का, जिसके पास दुनिया के कई ममालिक के रूट्स हैं, इनके पास लाइसेंस है जो दूसरे ममालिक के हवाई कंपनियों के पास नहीं है। अगर ये गिरवी रख दिया तो आप समझिए अपने आधा मुल्क बेच दिया। सर इस्माइल साहब तो कह रहे हैं स्टील मिल लो, PIA फ्री दूंगा, या PIA लो स्टील मिल फ्री दूंगा, दोनों में से कोई एक भी ले लो बस। भाई ये दुबई में किस लिए सियासतदान जाते हैं? सारे सौदे दुबई में होते हैं, हर एक अपना कमीशन पे चाहिए। मुल्क से कोई भी वो मुखलिस नहीं है। आवाम महंगाई के दलदल में दब चुकी है। कोयटा में आपको पता है इस टाइम पर दूध वाले डिमांड कर रहे हैं कि हमें 200 रुपए पर किलो दो, क्योंकि अशिया बढ़ चुकी है। गोश्त 700 रुपए से 1500 रुपए किलो मिल रहा है छोटे का, और वो बड़े का गोश्त 300 रुपए से 850 रुपए किलो मिल रहा है। चावल 380 रुपए किलो है, टोटा चावल 250 रुपए किलो है। तो ये गरीब तो ऐसे ही मर रहा है, ये लोग जो है मुल्क का सौदा करके। लेकिन क्या वजह है मीर साहब मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान में इतने सारे मसाइल है, बल्कि मसाइल का अंबार है। माशी एतबार से देखें, आम आवाम की जिंदगी को देखें, हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो क्या है कि हफ्ते में जो 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी वो इमरान खान के खिलाफ होंगी, उसमें शहबाज गिल का तस्करा होगा, उसमें अगर दूसरी तरफ देखें तो हिंदुस्तान के साथ मामला तय करने की अंदर ही अंदर मामला की बात की जा रही है। सर ये क्यों आम आवाम की तरफ नहीं देखा जा रहा? सर ऐसा है कि परसों मैंने कुछ लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा था मीर साहब। देखिए जी, इमरान खान के साथ आप सियासी खिलाफात कर सकते हैं, लेकिन उस रात उसको जलसे के नाकाम करने के लिए आपने वजीर आजम का तकरीर रखा, आपने साद रिजवी का जो है ना वो जलसा रखा, आपने टीवी शो पे पाकिस्तान के कल्चर को तबाह किया, लड़के लड़कियों को नचा के क्या ये पाकिस्तान है। हर माह जो है आप लोग बिजली के बिल में 35 रुपए आवाम से वसूल करते हैं। PTV आवाम की मलकियत है। आज जो हुकूमत यहाँ पे मुसलत होती है वो TV को अपना गुलाम बना के उसको अपने तरीके से नचाते हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने शहबाज गिल की बात की, आप देखिए पाकिस्तान के 3 सूबे जो है वो डूब रहे हैं, 3 सूबों में सैलाब आए, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हमारे सियासतदान इस्लामाबाद में बैठ के शहबाज गिल खेल रहे हैं। अफसोस की बात, पाकिस्तान के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं जो काबिल अफसोस है। हम चाहते हैं कि वजीर आजम साहब पूरे मुल्क के वजीर आजम है, सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम तो नहीं है। इधर आरजी आए वो भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, खालिद मक्सी साहब जो है वो सबक हमारे वजीर आला के भाई है, मैंने है जी। वो उनके अलायंस वाले सिर्फ उनके गांव चेक करके गए,
फिर दूसरी बार जब आए वो मौलाना वासिफ साहब जो जमीयत के उनके सपोर्टर है उनके इलाके में गए, बाकी क्वेटा बलूचिस्तान सारा उजड़ चुका है, किसी को कुछ नहीं पता, रास्ते बंद है, हुकूमत की पहुंच नहीं है, डीसी साहिबान सिर्फ बेचारे जो उनके पास वसाइल है उसके तहत काम कर रहे हैं, बाकी वफाकी एनडीएमए की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ अखबारी बयान है। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें किसी भी तौर पे आपकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और यकीन तौर पे हमारे जो मौजूदा सियासी लीडरान का जो रवैया है, पहले तो शायद कहीं ना कहीं फोटो सेशन कराने के लिए ही कुछ हद तक काम होता हुआ नजर आता था, लेकिन अब सियासी लीडरशिप शायद बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। इस वक्त तरजीहात यही है कि किसी तरीके से अपने सियासी हरीफों को नीचा दिखाया जा सके, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मीर असलम रिन साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपने मौकफ से आगाह किया, और दुआ करते हैं प्रोग्राम में रुख्सत होने से पहले कि पाकिस्तान के हर हिस्से में जहाँ भी बारिशें हो रही हैं, जहाँ भी सैलाब से जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, जो कोई भी इससे मुतासर हुआ, चाहे वो कराची में रहता है, चाहे वो सिंध में रहता है, चाहे बलूचिस्तान कोयटा कश्मीर किसी भी इलाके से पाकिस्तान को ताल्लुक रखता है, उसके अलावा की जो मुश्किलात हैं वो आसान करें। और जो पाकिस्तानी कौम ने माजी में कई बार साबित किया कि जब भी मुश्किल पड़ी इस कौम के ऊपर तो ये कौम यकजा हुई, और कौम ने अपनी मदद आप अपने ही साथियों को, अपने ही भाइयों बहनों को, अपने ही कौम के बच्चों और मुस्तकबिल के मेहमानों को किस तरीके से ना सिर्फ रेस्क्यू किया बल्कि आने वाले मुकाबलों के लिए बहाल भी किया। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से यही मनाजिर हमें देखने में आए और जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनकी मुश्किलात को कम करने का हम सामान पैदा कर सकें। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे अपने मेज़बान मुनीर मेहमान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।